भाई, वो कौन है जिसने YouTube पर तुम्हारे फोटो पर माय हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? ए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला? हाँ तो? पर उसे YouTube पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? No way. Oh wait wait wait. वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। I think she has uploaded it. एक मिनट हाँ, I'll put you on conference. But सब कुछ ओके ना राजा? क्या ओके है? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ओह। ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किस से पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर, वो हेलो स्वाति, सबके सामने वीडियो बनाकर तू YouTube में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है, तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर, वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा राजा, अब क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगह कोई नहीं हो सकती है, जल्दी जाओ फास्ट। ओके ओके ठीक है माँ। सर, YouTube में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो गीता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। राजा राजा, मैं आ गया हूँ ना, फिक्र मत करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। थैंक यू। नमस्ते भाई। थैंक यू रवि। सॉरी बेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, अब ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है, आप मेरे घर चले जाइए, वहीं आप सेफ रहेंगे, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम बताओ क्या करें। चलिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है राजा, मैं ध्यान रखूंगा। राजा, बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। चाचा जी। हाँ। गीता और उसके माँ बाप को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ, ये बात माँ को बता दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। राजा, मैंने जो किया गलत था, कुछ भी सजा दे दो मुझे। माँ को बेटे से दूर करने वाला पापी हूँ मैं, तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे। मामा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले।
ठहरो। तो इधर क्यों आया है? तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। दो दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था, उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था, सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे, 30 लाख लोगों ने यूट्यूब पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा ठीक है। हाँ। जो पैसा है ना, उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो, और मैं क्या बोल रहा था? करीमला ने बोला, मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? मालिक ने बुलाया, ऐसे झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं बोला, नहीं बुलाया ये बोला। नहीं बुलाया तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो ए, करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ, ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा, कॉमेडी करेगा। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। वैसे मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी बोलो। छोड़ 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 हट। ए, कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? IPL में RCB कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी बताओ मुझे? तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रंप है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे अखबार पढ़ो, देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे संभाल के। कुछ नहीं, दाया पैर फिसल गया। अपशगुन है ये। इसमें ऐसा नहीं जी, एक दो मिनट बैठकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या? चाचा जी क्या बात है? आप शगुन के नाम पे लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। चाचा जी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री आना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम्हारी ही है, वहाँ आने के लिए तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? यू आर मोस्ट वेलकम।
राजा। ऐसे कैसे मिस हुआ रे? जिन्हें मैंने भेजा है वो मामूली लोग नहीं है, वो लोग जंगल के शिकारी हैं। फिर उन लोगों से कैसे मिस हुआ? उनका क्या?